नमस्कार, वंदना जोशी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मठा रसम। तो ये मैंने घर का मठा बना के रखा है, छाछ बनाई है, इसका मक्खन निकाल लिया और मक्खन निकला हुआ मठा है। आप चाहे तो बाज़ार से भी ला सकते हैं। तो ये 1.5 गिलास के करीब मठा है और ये राई है, जीरा है, हल्दी है और ये 1 साबुत मिर्च है जिसके 2 टुकड़े करे हैं और ये कड़ी पत्ता है। और हमने एक पैन में 1 टेबल स्पून घी डाल के गरम करके रखा है और गरम करने के लिए रखा है। अब इसमें हम ये राई का तड़का लगाएंगे। अभी घी थोड़ा सा कम गरम हुआ है, जब तड़तर बोलने लगेगी राई इसके बाद हम जीरा डालेंगे। अब राई तड़कने लगी है, इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल दिया हमने और 1/2 टीस्पून हल्दी डाली और ये मिर्ची डाल दी हमने इसमें और ये कड़ी पत्ता डाल दिया। बस इसको ज़्यादा देर वो नहीं करना है और अब इसमें हम मठा डाल देंगे। इसको उबालना नहीं है, अगर उबालेंगे तो ये मठा फट जाएगा। बस हल्का सा गरम करके उतार लेंगे और अब इसमें ये नमक डाल रहे हैं स्वाद अनुसार। ये नमक डाल दिया है, अब ये हमारे ये रसम तैयार है। और इसको आप चावल के साथ, रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हो और ऐसे भी आपको पीना हो तो आप पीने में भी काम में ले सकते हैं, पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो यदि आपको मेरे मठा रसम का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।